नालागढ़ की खड्डों व नालों में अवैध खनन लगातार जारी है। खनन माफिया खनन सामग्री को क्रेशर व सीमा पार पहुंचा रहे हैं। बीती रात नालागढ़ पुलिस ने थाना प्रभारी श्याम लाल की अगुवाई में रामपुर खड्ड में खनन करते हुए 2 जेसीबी, 4 टिप्पर, 4 ट्रैक्टर को मौके पर ही पकड़ा। पुलिस ने इस भी वाहनों को कब्जे में ले लिया है। इससे पूर्व भी नालागढ़ पुलिस लगातार अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले 10 दिनों में पुलिस की ओर से खनन में संलिप्त वाहनों से 2,40,000 पर जुर्माना वसूला गया है। एक्चुअली बीबीएन में माइनिंग को लेकर बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो हमारी माननीय एसपी साहिबा और एडिशनल एसपी साहब और हमारे डीएसपी साहब फिरोज खान जी, सबके सख्त आदेश हैं कि माइनिंग को लेकर जो है जीरो टॉलरेंस बरती जाए। और अगर मैं बताऊं तो इसी कड़ी में पिछले 10 दिनों में हमने करीब 40 के करीब हमने चालान किए हैं माइनिंग में, और 2,40,000 रुपये के करीब हमने जुर्माना भी वसूला है। और डीएसपी साहब के साथ हमारी अलग से मंत्रणा हुई सब डिवीजन लेवल पे, तो हमने एक प्लान बनाया है, तो जो आज की कार्रवाई है ये उस प्लान का एक हिस्सा था जिसको हमने एग्जीक्यूट किया। और इसमें आज हमने खनन करते हुए 2 जेसीबी, 4 टिप्पर, 4 ट्रैक्टरों को पकड़ा, ट्रैक्टरों को फाइन करके छोड़ दिया, जबकि चारों टिप्परों और दोनों जेसीबी की जो है हमने बाउंड कर लिया है। और ये कार्रवाई इसी तरह जारी, ये हमने जो हमारा हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है रामपुर बोलते हैं, तो वहाँ सरसा नदी में अंदर जाके हाईवे से काफ़ी अंदर है, काफ़ी लिंक रोड है, और इन लोगों ने काफ़ी सारे रास्ते भी बना के रखे हैं भागने के लिए, तो एक रणनीति के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई और ये आगे भी रहेगी और ये नालागढ़ के विभिन्न हिस्सों में जारी रहेगी। तो ये अपना काम शुरू करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और हम करते जाएंगे, हम निरंतर इसको इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। सेकेंडली अगर ये रोकना है तो पब्लिक भी हमारा साथ दे, हमें बताए, हमें कोऑपरेट करें, हम साथ हैं। इन पर मुकदमा दिया जाएगा या माइनिंग एक्ट के तहत और जो भी प्रावधान होंगे कानूनी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।